स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड 2023, बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर india.com के थ्रू। बच्चों आपका जो सीबीएसई का एग्जाम है उसकी इन्फॉर्मेशन लोकसभा तक चली गई है। और बात ये है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो है उसमें 40% क्वेश्चंस क्लास 10th के और 30% क्लास 12th के होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इसकी बातचीत शुरू में सीबीएसई के थ्रू हमें मिली थी, लेकिन जो कंफर्म अपडेट है या जो भी होगी वो डेट शीट के आने के बाद ही पता चलेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोट किया था ये इन्फॉर्मेशन कि 40% क्वेश्चन जो होंगे क्लास 10th में और 30% क्लास 12th में आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या आते हैं, इसके मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं बच्चों, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, कंस्ट्रक्टिंग रिस्पांस टाइप जिसमें एसर्शन रीजनिंग है, केस बेस्ड क्वेश्चन जिसे बच्चे यूजुअली भागते हैं, यूजुअली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होता है। ये इंफॉर्मेशन जो है दिस वाज शेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी इन रिस्पॉन्स टू अ रिटन क्वेश्चन इन लोकसभा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, तो इसका आंसर ये है कि इन परसुएंस ऑफ एनईपी 2020 सीबीएसई हैज बीन इंट्रोड्यूसिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस टू रिफॉर्म द पैटर्न ऑफ एग्जाम। हाँ बच्चों, एग्जाम के पैटर्न को जो पहले 20-25 साल पहले चल रहा था वो कंटिन्यूसली नहीं चल सकता, फॉर्मेट हैज टू बी इम्प्रूव्ड। जैसा एजुकेशन पैटर्न में चेंजेस आने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक सर्टन फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, तो अगर आपकी सीबीएसई अपने फॉर्मेट को रिफॉर्म करेगी उस हिसाब से तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान हो जाता है। तो दीज क्वेश्चंस वुड बी आपको, जैसे मैंने कहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप्स होंगे और फॉर्मेट्स उसके बहुत सारे होंगे, ऑब्जेक्टिव वाला भी होगा, एसर्शन रीजनिंग होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इन द एकेडमिक सेशन 2022-23, अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रहा है, लेकिन परसेंटेज चेंज कर दिया गया। इस बार क्लास 10th के लिए 40% है और क्लास 12th के लिए 30% है, और ये बात पक्की है क्योंकि ये लोकसभा से आई हुई करंट अपडेट है। जब आपकी डेट शीट आपको मिलेगी, आप फेयर चांसेस हैं कि इस वीक आपकी डेट शीट आ जाए, तो जब आ जाएगी उसमें इलैबोरेटली एक्सप्लेन करके आएगा कि किस टॉपिक से कितना और किसका क्या वेटेज होगा। फिलहाल बच्चों यही अपडेट है और आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऊपर ऊपर से गेस क्वेश्चंस के भरोसे रहोगे तो एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, दिस इज द फैक्ट। आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी पड़ेगी सो दैट देयर इज क्लैरिटी, आपकी क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि आपका सारा टाइम निकल गया, यू स्टिल हैव सम मंथ्स जिसमें आप चाहें तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। आपके कोई भी सजेशंस हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको कंटेंट्स और ऐसे न्यूज़ मिलते रहेंगे, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।